सभी का स्वागत है इस वीडियो सीरीज में। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे फ्रेम को हम कैसे एनालाइज करेंगे और किस तरीके से बीम्स एंड कॉलम्स में जो मोमेंट्स एंड शियर फोर्स डेवलप हो रहे हैं, स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन जो आ रहा है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स बताया था कि किस तरीके से हम लोड्स को कंबाइंड कर सकते हैं इंडिविजुअल लोड्स को। अब इस वीडियो में मैं आगे एनालिसिस करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही हमने लोड्स लगा चुके होते हैं तो जनरल ऑप्शन आपको यहाँ पर पेज में ऑप्शन में दिख रहा होगा। जनरल के नीचे आपको आना है एनालिसिस ऑब्लिक प्रिंट ऑप्शन पे। जब आप एनालिसिस ऑब्लिक प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक कमांड हमको देना होता है। इस कमांड का नेम है परफॉर्म एनालिसिस कमांड। देखिए क्या होता है कि हमने जो भी स्टेप्स कंप्लीट किए हुए हैं, मतलब सबसे पहले हमने फ्रेम बनाया, सेक्शन अप्लाई किया, सपोर्ट लगाया, लोड लगाया, अब उसके बाद जब हम उसको एनालाइज करना चाहते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर को एक कमांड देनी होती है कि हमें एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए एक परफॉर्म एनालिसिस कमांड यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है। इस कमांड को सिर्फ आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो जैसा कि देखिए, जब मैंने इसको ऐड क्लिक किया और क्लोज किया तो आप यहाँ पर देखेंगे ये साइड में ये जो डेटा एरिया है, यहाँ पर एनालिसिस होल स्ट्रक्चर के नाम से एक डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें सबसे लास्ट में आप देखेंगे परफॉर्म एनालिसिस कमांड ऑलरेडी यहाँ पर देखिए आ चुका है। देखिए यहाँ पर 2 times आपको परफॉर्म एनालिसिस कमांड आ रहा है। ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर फाइल में पहले से ही इसको ऐड किया हुआ था। अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि मेरे को एक कमांड को डिलीट करना है तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट करके माउस राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि परफॉर्म एनालिसिस करने के लिए एक ही कमांड काफ़ी होगी। तो मैंने यहाँ पर परफॉर्म एनालिसिस कमांड इसको दे दिया और लास्ट में आप देख रहे होंगे एक कमांड है आपका फिनिश कमांड। तो ये जो होता है एनालिसिस होल स्ट्रक्चर, ये क्या है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक पूरा सीक्वेंस जो होता है आपके जो प्रोजेक्ट के जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में आपने वर्क किया है, कि आपने सबसे पहले एक DXF फाइल को इम्पोर्ट किया था, फिर इम्पोर्ट करने के बाद आपने मटेरियल प्रोवाइड किया, मटेरियल आपने कॉन्क्रीट डिफाइन किया, आपने सेक्शन डिफाइन किए, डिफरेंट कॉलम सेक्शंस, बीम सेक्शन 9x12, 9x15, 9x18, आपने सपोर्ट डिफाइन किया, फिक्स सपोर्ट, फिर आपने लोड्स डिफाइन किए, लोड्स लगाए। देखिए ये लोड्स का आपको डिटेल यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है, जो भी सीक्वेंस पे आपने वर्क किया है वो सीक्वेंस पूरा यहाँ पर ये नोट डाउन कर देता है और लास्ट में फिर इसको एक कमांड चाहिए होता है, वो है परफॉर्म एनालिसिस कमांड। अब जब ये कमांड मैं दे चुका हूँ तो मैं सिंपल एनालाइज में जाकर इसमें रन एनालिसिस करूँगा। जब मैं रन एनालिसिस करके तो ये सेव करने को बोलता है, तो मैं रन एनालिसिस करने के बाद इसमें सेव पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि ये फ्रेम हमारा ऑलरेडी सेव था तो मेरे को सिर्फ सेव करना पड़ा है। बट अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे को न्यू नेम से सेव करना है तो आप सेव एज कर सकते हो। तो देखिए ये एनालिसिस हो रहा है, एनालिसिस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और ये एनालिसिस कर रहा है। तो देखिए एनालिसिस हमारा कम्प्लीट हो चुका है। अब इसमें आप देखेंगे 3 options आ रहे हैं आपके पास। एक आधा है व्यू आउटपुट फाइल, एक आधा है गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड और एक आधा है स्टे इन मॉडलिंग मोड। अब देखिए मैं यहाँ पर स्टे इन मॉडलिंग मोड को अगर ऑन करके इसमें डन क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए एरर 0 आ रही है, 0 ही रहना चाहिए। जब मैं स्टे इन मॉडलिंग मोड पर क्लिक करके इसको डन क्लिक करूँगा तो ये जैसा भी आपका विंडो ओपन है सॉफ्टवेयर का वो वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में क्या होता है, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड का मीन्स है मेरे को रिजल्ट्स देखने हैं कि जो रिजल्ट्स जो मैंने अभी एनालिसिस परफॉर्म किया उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं। तो आपको अगर रिजल्ट्स देखना है तो आप गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाएंगे। फिर नेक्स्ट होता है व्यू आउटपुट फाइल, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा कि आउटपुट फाइल क्या है। देखिए क्या होता है कि अभी यहाँ पर जैसे 0 एरर है, बट इनकेस अगर एरर्स आती हैं, मान लीजिए 2 errors 3 errors हैं, तो वो एरर्स की इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से पता चलती है आउटपुट फाइल से। तो अभी राइट नाउ एरर्स तो 0 हैं तो हमें एरर देखने का ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधा अभी इसमें कहाँ जाएंगे, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में। इसको क्लिक करके मैंने इसको डन किया। जब इसको डन किया तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, रिजल्ट सेटअप्स में ये मेरे से पूछ रहा होता है कि आपको किस लोड केस के रिजल्ट देखने, कौन से लोड केस का रिजल्ट आप देखना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे इंडिविजुअल लोड केस तो हैं ही, प्लस कॉम्बिनेशंस भी हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को कॉम्बिनेशंस के रिजल्ट्स दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड सारे हैं। तो मैं यहाँ पर जो पहले
इंडिविजुअल केसेस हैं उनको मैं अलग करूंगा। तो इसको कैसे अलग करते हैं, आप कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको सिलेक्ट करते जाएंगे और सिंगल एरो, देखिए ये सिंगल एरो पे क्लिक करेंगे तो ये सारे लोड केस अवेलेबल पे आ जाएंगे और आप कहाँ पर आ जाएंगे, सिलेक्टेड पर आ जाएंगे। सिलेक्टेड में आप देखेंगे, सिलेक्टेड में आपके कॉम्बिनेशन लोड्स केस यहाँ पर दिख रहे हैं और आपने फिर इस पर अप्लाई क्लिक करना है और ओके करना है। तो जैसे ही अप्लाई एंड ओके मैंने किया तो आप देखेंगे मॉडलिंग मोड से ये सीधा आपको पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पर लेकर आ जाता है। अब पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये रिजल्ट्स अब हम बहुत ईजिली यहाँ से देख सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले पोस्ट प्रोसेसिंग में पहला पेज जो ओपन हुआ है वो हुआ है नोड, नोड और नोड में पहला सब पेज है डिस्प्लेसमेंट, मतलब नोड का अगर डिस्प्लेसमेंट देखना है तो आप इधर से देख सकते हैं। देखिए कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे सपोज मैं इस नोड का डिस्प्लेसमेंट देखना चाहता हूँ कि ये जो नोड है सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट का नोड का पोजीशन, तो मैं जब इस पर्टिकुलर नोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए इस नोड की मेरे को ये पोजीशन शो कर रहा है। इस नोड पे ये बता रहा है कि अगर डेट प्लस लाइव लोड अकेला अगर आप सपोज कंसिडर करते हो कि इस बिल्डिंग में सिर्फ डेट एंड लाइव लोड लगेगा तो ये नोड एक्स डायरेक्शन पे 0.495 mm डिस्प्लेस करेगा, वाई डायरेक्शन पे -2.97 mm डिस्प्लेस करेगा और जेड डायरेक्शन पे 0.59 mm डिस्प्लेस करेगा। तो मैक्सिमम आप देख रहे होंगे जो वैल्यू इसमें डिस्प्लेसमेंट की आ रही है वो आ रही है वाई डायरेक्शन पे, वाई डायरेक्शन पे इसलिए क्योंकि जो पूरा लोड ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है वो नीचे ही जा रहा है, वाई नेगेटिव साइड ही जा रहा है। तो आप देखेंगे ये वाई में -2.97 mm नीचे की तरफ ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करेगा। सिमिलरली ये तो सिर्फ डेट प्लस लाइव लोड का कॉम्बिनेशन का डिटेल था, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस नोड पे अर्थक्विक का इफेक्ट भी कंसिडर करो, अर्थक्विक का मेरे को डिफाइन करो कि अर्थक्विक की वजह से क्या हो रहा है, तो इनके ऐसा अगर आप चाह रहे हैं अर्थक्विक का आपको लोड मतलब डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले तो आप यहाँ देखेंगे डेट प्लस लाइव प्लस अर्थक्विक प्लस एक्स, मतलब अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन करता हूँ इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इनकेस अर्थक्विक वाले डायरेक्शन से आता है प्लस एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग आता है इस डायरेक्शन पे तो ये नोड कितना एम एम डिस्प्लेस कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर एक्स डायरेक्शन पे अर्थक्विक के साथ डेट प्लस लाइव लोड लगता है तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 97.607 mm होगा। एक्स डायरेक्शन पे सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि ये जो नोड है एक्स डायरेक्शन पे ज़्यादा मूव करेगा, इसी डायरेक्शन पे ज़्यादा मूव करेगा, वाई डायरेक्शन पे मिनिमम है मतलब नॉर्मल है एंड जेड डायरेक्शन पे 1.701 है। तो ये बाकी लास्ट में तो एक रिजल्टेंट वैल्यू है तो ये हमारा इतना ज़रूरी नहीं होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप डेट प्लस लाइव माइनस अर्थक्विक एक्स, अगर अर्थक्विक हम माइनस एक्स डायरेक्शन से कंसिडर करें कि ये वाले डायरेक्शन से अर्थक्विक आ जाएगा तो इसमें -19.6810 है। फिर अगर हम आते हैं डेट प्लस लाइव प्लस अर्थक्विक जेड में तो प्लस अर्थक्विक जेड के लिए ये मेरे को यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट दिखा देता है। आप देख रहे होंगे कि जेड डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट ये ज़्यादा शो करता है कि इस डायरेक्शन पे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा, माइनस जेड में आप देखेंगे तो माइनस जेड में माइनस में वैल्यू ये शो करेगा। तो ये क्या होता है कि आपको किसी भी नोड का अगर डिस्प्लेसमेंट आपको देखना है तो आप ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर किसी भी नोड के ऊपर क्लिक करिए, उसके डिस्प्लेसमेंट ये टेबल के थ्रू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो ये डिस्प्ले होता है डिस्प्लेसमेंट, आप अगर इसको थोड़ा सा मैं जूम करूँगा तो आपको दिखेगा कि एक बीम का लाइन आपको दिख रहा है प्लस एक ग्रीन कलर की एक लाइन दिख रही है। तो ये क्या शो कर रहा है, फ्रेम के डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है कि इनकेस लोड अगर आएगा तो ओरिजिनल पोजिशन तो ये थी, ये जो ब्लैक कलर से आपको ये दिख रहा है या ग्रे कलर हम बोल सकते हैं, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये ओरिजिनल पोजीशन है, लेकिन अर्थक्विक आने के बाद या डेट प्लस लाइव विथ अर्थक्विक अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि ये बिल्डिंग अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा इस साइड मूव हो जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ इसी को क्यों डिस्प्ले कर रहा है, मतलब ये जो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन पे ये मूव कर रहा है ये डायरेक्शन हमारा जेड है, ये जेड डायरेक्शन पे ही बस इसलिए डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने जो एक्टिव लोड है जो मतलब जिस लोड का हम डिस्प्ले देखना चाह रहे हैं वो हमारा डेट प्लस लाइव प्लस अर्थक्विक प्लस जेड है। बट अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, माइनस जेड है, अब मैं इसको चेंज करके प्लस एक्स करता हूँ तो आप देखेंगे ये डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन पे आपको शो करने लगेगा फ्रेम का। तो ये तो खैर ये क्या होता है, हमारा ये डिस्प्ले है, बाकी आपको एक्चुअल अगर सारी नोड्स की वैल्यू देखनी है, सारे डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू देखनी है तो आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर नोड के ऊपर क्लिक कर सकते हो जिस नोड का भी आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नोड डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको बता दिया।
अब जैसे ये जो नोड डिस्प्लेसमेंट आता है, हम चाहें तो इसकी पूरी टेबल भी हम प्रिंट कर सकते हैं, बट जब आप इसका टेबल प्रिंट करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि इस पूरे फ्रेम में बहुत सारे नोड्स होंगे। कितने नोड्स होंगे कि आप जब इसकी टेबल प्रिंट करेंगे तो टेबल बहुत सारे पेज आपके क्या करेगा, वेस्ट करेगा। बट फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, किसी क्लाइंट ने आपसे बोला है कि हमें नोट्स के डिस्प्लेसमेंट्स की डिटेल चाहिए हैं, तो आप वहाँ से दे सकते हैं। मैं जब आपको रिपोर्ट का वीडियो बना के बताऊँगा तो उसमें आप वो चीज़ समझ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट होता है रिएक्शंस। रिएक्शंस क्या है, देखे जैसे आप देख रहे होंगे लास्ट में नोट्स में हमने सपोर्ट लगाया हुआ है, फिक्स सपोर्ट। अब हमें पता है कि ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट्स में रिएक्शंस डेवलप हुई होंगी, तो मेरे को अगर रिएक्शंस देखना है तो मैं सिंपल रिएक्शंस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हर सपोर्ट के ऊपर रिएक्शंस की एक देखेंगे यहाँ पर साइड में टेबल आ जाती है। टेबल में हर एक नोड, जो भी नोड पे आपने सपोर्ट डिफाइन किया हुआ है, उस नोड पे रिएक्शंस की वैल्यूज यहाँ पर आ जाती है। FX FY FZ, मतलब इसको आप बोल सकते हैं RX RY RZ, कि एक्स डायरेक्शन पे कितना रिएक्शन डेवलप हो रहा है, वाई डायरेक्शन पे कितना हो रहा है, जेड में कितना हो रहा है। मतलब अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर नोड को देखना चाहता हूँ तो मैं जब इस नोड पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये नोड नंबर 29 हाईलाइट हो रहा है। आप जिस नोड पे भी क्लिक करेंगे वो नोड आपको सामने लेके आ जाएगा और उसके नोड्स के रिएक्शंस की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और जैसा कि मैंने बोला कि ऐसे में आप इधर पे अगर देख रहे हैं तो क्योंकि ये हर नोड का इंडिविजुअल रिएक्शंस आपको यहाँ शो कर रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा हॉटस्पॉट हो जा रहा है। बाकी आप यहाँ पर टेबल के थ्रू बहुत ईजिली समझ पा रहे हैं कि किस नोड पे कितना रिएक्शंस डेवलप हो रहा है और किस लोड की वजह से कितना डेवलप हो रहा है। जैसे ये डेट प्लस लाइव का है तो ये डेट प्लस लाइव प्लस अर्थक्विक प्लस एक्स का है, डेट प्लस लाइव प्लस अर्थक्विक माइनस एक्स का है। तो हर पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स जो होते हैं उसका रिएक्शन आप बहुत ईजिली यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअली किसी एक लोड के इसका रिएक्शन यहाँ पर ही देखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उस नोड को सिलेक्ट करिए और नोड को सिलेक्ट करने के बाद व्यू में जाइए और यहाँ पर व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली करिए, तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर उस नोड का बस आपको रिएक्शंस आपको यहाँ पर ये शो कर रहा है। और जब आपने इसका रिएक्शंस देख लिया है और आपको वापस से पूरा स्ट्रक्चर चाहिए तो आप व्यू में जाकर वापस से फुल स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिएक्शंस को, हर एक नोड के रिएक्शंस को आप देख सकते हो। ठीक है, तो और ये तो हो गया आपका नोड्स का रिएक्शंस एंड नोड्स का डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट मैं आऊँगा बीम के बारे में। तो ये देखिए, ये बीम का क्या कॉन्सेप्ट है कि बीम पे कितना मोमेंट डेवलप हो रहा है, कितना शियर फोर्स डेवलप हो रहा है, ये अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे देखिए, बीम पे जब मैंने क्लिक किया तो बीम के अंदर का सब पेज है फोर्सेस। फोर्सेस में क्या होता है, ये बीम के ऊपर अप्लाई होने वाले फोर्सेस की डिटेल्स, शियर फोर्स हम जिसको बोलते हैं, उसकी डिटेल दे देता है। बीम कॉलम जो भी आप नंबर लेंगे उसका आपको डिटेल देगा। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर बीम पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए, ये जो बीम है, बीम नंबर 364 है। तो बीम नंबर 364 में ये बता रहा है कि अगर डेट प्लस लाइव लोड आप अप्लाई कर रहे हैं इस बीम के ऊपर, तो 171 नंबर नोड एंड 175 नंबर नोड, ये क्या है, ये बीम के एंड्स की पोजीशंस बता रहा है कि एंड्स में कितना फोर्स डेवलप हो रहा है। तो ये बता रहा है कि बीम का जो एंड है उस एंड पे एक्स डायरेक्शन पे जो फोर्स आ रहा है वो 28.883 किलोन्यूटन है, वाई डायरेक्शन पे जो फोर्स आ रहा है वो 73.331 है, एंड जेड डायरेक्शन पे नेगलिजिबल है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 175 नंबर नोड का, या फिर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर इस बीम अकेले को बस मैं हाईलाइट करता हूँ, इस बीम को सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पर व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली कर रहा हूँ तो आपको इधर पे ज़्यादा बेटर ये चीज़ समझ में आएगी कि ये जो बीम है, इस बीम का जो एंड नोड है, ये जो नोड है, ये नोड नंबर 171 होगा। अब ये हम कैसे पता कर सकते हैं, हम यहाँ पर अगर नोड कर्सर ऑन कर लेते हैं और नोड कर्सर ऑन करके जब यहाँ कर्सर लेके आ रहे हैं तो ये हमको बता रहा होता है ये नोड नंबर 171 है और ये नोड नंबर 175 है। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ईजिली हम किसी भी बीम पे शेयर फोर्स के बारे में पता कर सकते हैं कि इसमें कितना शेयर फोर्स डेवलप हो रहा है। अभी देखिए, ये डेट प्लस लाइव का शेयर फोर्स था, ऐसे डेट प्लस लाइव प्लस अर्थक्विक प्लस एक्स का है, माइनस एक्स का है, प्लस जेड का है, माइनस जेड का है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोड केस के हिसाब से शेयर फोर्स कितना डेवलप हो रहा है, ये आपको यहाँ पर ये शो कर रहा है। सिमिलरली आप नीचे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर आपको क्या होता था, एंड्स की डिटेल दे रहा था कि एंड्स में कितना हो रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्टेंसेस वाइज दे रहा है कि 0 mm में कितना, 0 मीटर में कितना, 1.086 मीटर में कितना, मतलब किसी भी बीम को
ये 5 parts में डिवाइड कर देता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो इस बीम को 5 parts में डिवाइड कर दिया है, और 5 parts में डिवाइड करने के बाद लेंथ वाइज ये क्या कर रहा है, शेयर फोर्स की वैल्यूज आपको यहाँ दिखा रहा है। आप देख रहे होंगे इनिशियल में शेयर फोर्स यहाँ पॉजिटिव दिखा रहा है, फिर बाद में नेगेटिव में, तो पॉजिटिव शेयर फोर्स एंड देन नेगेटिव शेयर फोर्स। अच्छा अभी देखेंगे जो यहाँ पर आपको जो ये डिस्प्ले कर रहा है, ये जो डिस्प्ले कर रहा है ये मूवमेंट का है, ये मूवमेंट डिस्प्ले कर रहा है आपको, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट। बट हम चाह रहे हैं कि अगर हमें शेयर फोर्स का आप वैल्यूज डिस्प्ले करें या ग्राफ डिस्प्ले करें, तो यहाँ पर हम इसको कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक टूल बार होता है हमारे पास, उस टूल बार का नेम है रिजल्ट टूल बार। जब आप रिजल्ट टूल बार में आएंगे तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑप्शन एक्टिव है, बेंडिंग जेड मूवमेंट, इसीलिए ये क्या करता है, बेंडिंग मूवमेंट का ग्राफ आपको शो करता है। बट आप चाह रहे हैं कि हमें शेयर फोर्स का ग्राफ देखना है, तो आप यहाँ पे देखें शेयर वाई फोर्स, मतलब शेयर अलोंग वाई डायरेक्शन आप देखना चाह रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि मूवमेंट हमें ना देखे, तो आप मूवमेंट के ऑप्शन को ऑफ कर देंगे, तो देखिए शेयर फोर्स का वैल्यू ये शो करता है। तो आपको यहाँ से अब समझ में आ रहा होगा कि इनिशियली शेयर फोर्स पॉजिटिव शो कर रहा है, और एंड पे शेयर फोर्स क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ से ये नेगेटिव डायरेक्शन पे आ रहा है। तो ये हमारा होता है कि हम अगर किसी पर्टिकुलर बीम का शेयर फोर्स देखना चाहते हैं, बीम हो चाहे कॉलम हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का आप शेयर फोर्स देखना चाह रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट देखना चाह रहे हैं, तो आप बहुत इजीली देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं, अब देखिए यहाँ पर तो ये है ही, आप बेंडिंग मोमेंट वापस लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हो। अब नेक्स्ट जो मैं आता हूँ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी भी बीम पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, कहाँ पर टेंशन डेवलप हो रहा है, बीम के किस पोर्शन पे कंप्रेशन डेवलप हो रहा है, ये मैं आपसे अगर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो हम किसके थ्रू करेंगे, स्ट्रेसेस के थ्रू। जब मैं यहाँ पर स्ट्रेस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि अभी क्योंकि मेरा एक ही बीम यहाँ पर हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, हम अगर यहाँ पर व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली कर देते हैं या सॉरी हॉल स्ट्रक्चर ऑन कर देते हैं, तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाता है। और अब भी अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को इस बीम का अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, तो जब मैं इस बीम पर क्लिक करूँगा तो ये वाले बीम का आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा। अच्छा अभी जो ये बीम में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ये डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक प्लस एक्स का है, क्योंकि एक्टिव लोड तो यही है जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ डेड एंड लाइव लोड का आप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन शो करिए। बेसिकली बीम्स में हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डेड प्लस लाइव ओनली का देखते हैं, मैक्सिमम टाइम पे सिर्फ हम डेड एंड लाइव लोड ही कंसिडर करते हैं। तो अभी हम इसको देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर जब मैं इसको डेड प्लस लाइव लोड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है। आप यहाँ पर कलर्स के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होता है कि इनिशियली स्टार्ट ऑफ द बीम आप देखेंगे ये कि प्लेन दिख रहा है येलो कलर से, लाइट येलो कलर से आपको प्लेन दिख रहा है, और दिख रहा होगा कि इस बीम में इनिशियली ऊपर ब्लू कलर से कॉन्टूर्स दिख रहे हैं और नीचे आपको रेड कलर कॉन्टूर्स दिख रहे हैं, बीच में आप ब्लू कलर का कॉन्टूर देख रहे हैं, ऊपर रेड कलर कॉन्टूर देख रहे हैं, तो एंड पे फिर से आपको ब्लू कलर ऊपर ही आ रहा है और रेड कलर नीचे। तो ये क्या करता है, ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, इसमें क्या होता है, जो ब्लू कलर है ये टेंशन के पार्ट को डिफाइन करता है, ये शो कर रहा है कि जब स्टार्ट ऑफ द बीम है आपकी, तो स्टार्ट ऑफ द बीम पर टेंशन कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है। अच्छा ये कंडीशन कब आती है, जब हम फिक्स सपोर्ट लेके चलते हैं, फिक्स्ड बीम मतलब अभी ये जो बीम हमारी है ये फिक्स्ड बीम है। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम लेके चल रहे होते हैं, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में हमें पता होता है कि टेंशन पूरा नीचे होता है, मतलब ये बीम का अगर ये एलिवेशन है तो बीम के एलिवेशन पर टेंशन पूरा नीचे के फाइबर में होगा, नीचे टेंशन होगा और ऊपर पूरे में क्या होता है, कंप्रेशन होता है। बट इन केस ऑफ फिक्स्ड बीम मतलब ये वाला एंड भी फिक्स है, ये एंड भी फिक्स्ड है, तो उस केस में टेंशन एंड कंप्रेशन का जोन जो है लेंथ वाइज चेंज होता जाता है। जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर कि जैसे स्टार्टिंग है ऑफ द बीम है, तो स्टार्टिंग ऑफ द बीम में जो टेंशन है वो ऊपर के सरफेस पर है और कंप्रेशन जो है वो नीचे के सरफेस पर है। बट जैसे जैसे हम लेंथ वाइज आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो टेंशन है वो नीचे आ जा रहा है और कंप्रेशन जो है ऊपर हो जा रहा है, रेड कलर शो करता है कंप्रेशन को। तो यहाँ पर देखेंगे बीच में टेंशन है, फिर जब एंड पे फिर से पहुँच रहे हैं तो अगेन आप देखेंगे एंड पे फिर से क्या हो जा रहा है, टेंशन हो जा रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे ये जो है, ये जो वैल्यू, ये जो आपको कॉन्टूर दिख रहा है, ये सेक्शन का कॉन्टूर दिख रहा है। सेक्शन कौन सा, स्टार्टिंग ऑफ द सेक्शन,
स्टार्टिंग ऑफ द बीम। बट अगर आप चाह रहे हैं कि इसको मेरे को चेंज करके देखना है तो यहाँ पे देखेंगे एक अलग से डायलॉग बॉक्स आता है सेलेक्ट सेक्शन प्लेन। तो इसमें जो है हम इसको जब इसको स्लाइड करेंगे तो देखिए जब मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्टूर चेंज हो रहा है। आप देखेंगे स्लाइड कर रहा हूँ तो कॉन्टूर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बिल्कुल बीचों बीच अगर मैं लेके आऊँगा तो आप देखेंगे कि ब्लू कलर नीचे की तरफ हो चुका है, रेड कलर ऊपर की तरफ हो चुका है। और अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे को पैरेलली आप वैल्यूज़ भी दिखाई है, स्ट्रेसेस के वैल्यू मेरे को शो करिए, तो मैं जब यहाँ पर डिस्प्ले लीजेंड ऑन कर दूँगा, डिस्प्ले लीजेंड में तो ये क्या कर रहा है, कलर वाइज वैल्यू दिखा रहा है कि रेड कलर जो सबसे जब मैक्सिमम रेड कलर जिधर भी आ रहा होगा वहाँ पर 4.11 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, जहाँ -4.19 जिधर बिल्कुल डार्क ब्लू दिख रहा है वहाँ -4.19 का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि जिस पोजिशन पर अभी मेरा प्लेन है उस पोजिशन की मेरे को डिटेल पता चले तो आप यहाँ पर डिस्प्ले कॉर्नर स्ट्रेस ऑन कर देंगे। जब डिस्प्ले कॉर्नर स्ट्रेस आप ऑन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर कॉर्नर्स पे उस पोजीशन पे क्या स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है वो आपको बता रहा होता है। देखिए इसमें टेंशन की वैल्यू ये नेगेटिव में शो करता है, अगर आपका टेंशन डेवलप हो रहा है तो ये नेगेटिव में शो करेगा, कंप्रेशन को पॉजिटिव में करेगा। तो अभी अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द बीम में चला जाऊँगा तो आपको दिख रहा होता है कि मैक्सिमम टेंशन वैल्यू जो है वो टॉप में आ रही है। मैक्सिमम टेंशन वैल्यू किधर आ रही है, टॉप में, वो भी स्टार्ट ऑफ द बीम में। तो ये हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी मेंबर पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स की वजह से होने वाला जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो उस पर्टिकुलर मेंबर में होगा वो सबसे ज़्यादा फिक्स्ड एंड की तरफ होगा, मतलब जिस एंड पे सपोर्ट होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पर कहाँ डेवलप हो रहा है, स्टार्ट ऑफ द बीम में हो रहा है, और वो भी किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर स्लाइडर को और यहाँ पर स्लाइड करता जाऊँगा तो आप देखेंगे एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन मींस क्या होगा कि एक ऐसा जोन जिधर क्या हो रहा है, टेंशन जोन जो है कंप्रेशन में कन्वर्ट होने वाला है और कंप्रेशन जोन जो है वो टेंशन में कन्वर्ट होने वाला है। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लगभग सारी वैल्यू जीरो के आसपास है, मतलब टेंशन जो है कंप्रेशन में कन्वर्ट हो गया और कंप्रेशन जोन टेंशन में हो रहा है। फिर और आगे आएंगे तो फिर देखिए आपको चेंज होता हुआ मिलेगा, टेंशन जोन नीचे की तरफ आ जाएगा तो कंप्रेशन जोन ऊपर की तरफ हो जाएगा, और फिर एंड में जाएंगे तो फिर टेंशन जोन ऊपर हो जाएगा, कंप्रेशन जोन नीचे हो जाएगा। तो ये होता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बीम के रेनफोर्समेंट को समझने में बहुत आपको हेल्प करेगा। जब हम बीम रेनफोर्समेंट डिटेलिंग पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे और, ठीक है। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब देखिए ये तो मैंने एक पर्टिकुलर बीम पर देखा, बाकी यहाँ पर ये साइड में टेबल आती है, टेबल में क्या है, टेबल में ये पर्टिकुलर बीम का किसी भी लोड केस को लेकर लेंथ वाइज कॉर्नर्स के स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे शो करता है। माइनस वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, माइनस मींस टेंशन, प्लस मींस कंप्रेशन। तो ये देखिए लेंथ वाइज ये क्या करता होता है, हमको टेंशन एंड कंप्रेशन की वैल्यूज दे देता है, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं किसी बीम पर मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम टेंशन देखना है तो आप मैक्सिमम स्ट्रेस में जाएंगे तो ये हर पर्टिकुलर बीम के ऊपर मैक्सिमम टेंशन कितना डेवलप हो रहा है और मैक्सिमम कंप्रेशन कितना डेवलप हो रहा है वो आपको यहाँ पर डिटेल दे देता है। तो ये था स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम आएंगे ग्राफ्स को। ग्राफ्स का क्या यूज़ है, देखें अभी अगर मैंने इसी बीम को सिलेक्ट करके रखा तो इस बीम के ऊपर लगने वाला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये आ रहा है कि इस बीम के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे आपको समझ में आ रही है कि कितना वैल्यूज़ के साथ बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे डेवलप हो रहा है। शियर फोर्स डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये आ रहा है, ये शियर फोर्स अलोंग वाई है, ये शियर फोर्स अलोंग एक्स है। बट अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे मेरे को स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखना है तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि आप माउस राइट क्लिक करिए और सीधा डायग्राम पर क्लिक करिए। जब डायग्राम पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रेस का ऑप्शन है, आप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करिए और इसको ओके करिए। जब इस पर क्लिक करते हैं तो अच्छा देखिए अभी ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ये शियर फोर्स डायग्राम भी दे रहा है। तो मैं इसको फिर माउस राइट क्लिक करके डायग्राम में जाऊंगा और ये जो एक्सियल फोर्स है इसको ऑफ कर दूंगा। इसको जब ऑफ करा तो आप देखेंगे ये हमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ये शो करता है। और आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि देखिए ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्या शो कर रहा है कि इनिशियल जब स्टार्ट ऑफ द बीम था तो कंप्रेशन की वैल्यू 4 के आसपास थी, फिर जैसे जैसे लेंथ वाइज आप आगे बढ़ रहे हैं कंप्रेशन का वैल्यू लगभग जीरो के बराबर हो रही है। फिर उसके बाद फिर क्या हो रहा है, कंप्रेशन का वैल्यू बढ़ रहा है बीच में
बीच में, लेकिन ये कंप्रेशन का वैल्यू तो बढ़ता है, लेकिन कंप्रेशन की जो पोजीशन है वो टॉप ऑफ द बीम पे चली जाएगी। फिर उसके बाद फिर एंड पे बीच में आएंगे, इधर आएंगे तो इधर पे फिर से लगभग जीरो हो जाएगी और एंड पे फिर वैल्यू बढ़ रही है। तो आप यहाँ से कंबाइंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन एंड शियर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप बहुत ईजिली इसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। और आप चाहें तो इसका कॉपी भी कर सकते हैं। आप कॉपी पिक्चर करके, आपके प्रोजेक्ट है, आपका कोई फाइल है, वर्ड में कोई फाइल है, आप प्रोजेक्ट एक बना रहे हैं, आप उसमें कॉपी पिक्चर करके पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल वी करके, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट होता है एक एनिमेशन, मतलब इतना यूजफुल नहीं है बट हम इसको समझते हैं कि है क्या एनिमेशन। जब हम एनिमेशन में क्लिक करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि जो भी लोड हमने लगाया उस लोड का डिस्प्लेसमेंट मेरे को एनिमेशन के थ्रू ये शो करे। तो मैंने यहाँ पर एनिमेशन पे क्लिक करके जब इसमें डिफ्लेक्शन, मैं चाह रहा हूँ कि डिफ्लेक्शन का एनिमेशन मेरे को दिखाइए, मैं डिफ्लेक्शन एनिमेशन ऑन करके अप्लाई किया एंड ओके किया, तो आप देखेंगे इस बीम, इस पूरे फ्रेम में थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। थोड़ा आप देखेंगे कुछ मेंबर्स आपके मूव हो रहे हैं। अच्छा, ये मेंबर्स जो मूव हो रहे हैं ये डेड प्लस लाइव लोड की वजह से हो रहे हैं। ये जो एनिमेशन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि अगर सिर्फ डेड एंड लाइव लोड लगाएंगे तो इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट होगा। और बेसिकली डेड एंड लाइव लोड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल सेटलमेंट। मतलब जब हम कभी भी किसी बिल्डिंग को बनाएंगे तो बिल्डिंग बनाने के बाद कुछ mm जो है सेटल्ड होती है, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन से कुछ mm नीचे की तरफ आएगी, कुछ ना mm आपका मूव करेगी। तो अभी ये तो डेड प्लस लाइव है, अगर मैं चाहता हूँ अर्थक्वेक का डिस्प्लेसमेंट शो करिए तो आप इधर से लोड केस चेंज करिए, मान लीजिए डेड प्लस लाइव प्लस अर्थक्वेक प्लस जेड करता हूँ, तो आप देखेंगे जेड डायरेक्शन पे ये डिस्प्लेसमेंट आपको शो कर रहा है अर्थक्वेक का। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जैसे ये डिस्प्लेसमेंट जो अभी शो कर रहा है, ये मतलब ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक्चुअल में अगर अर्थक्वेक कंसिडर करेंगे हम तो अर्थक्वेक आएगा तो इस तरीके का ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरे को इस डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा हैवी ज़्यादा दिखाना है, मतलब उतना आएगा नहीं बट सपोज आप चाह रहे हैं ज़्यादा मेरे को शो कराना है एनिमेशन में, तो आप इधर पे एनिमेट पे दोबारा क्लिक करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसका नेम है स्केल। आप स्केल में जाइए, जब आप स्केल में जाते हैं तो स्केल में आप यहाँ पर देखेंगे ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट स्केल। देखिए एक तो होता है लोड स्केल, ये जो लोड स्केल है इसका मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। और ये होता है हमारा रिजल्ट स्केल। रिजल्ट स्केल में आप इधर देखेंगे एक है डिस्प्लेसमेंट स्केल। डिस्प्लेसमेंट स्केल में क्या होता है कि अभी देखिए इसमें जो स्केल सेट है वो ये है कि 1000 mm जो है पर मीटर है। मतलब अगर आपके फ्रेम में, आपके कॉलम में 1000 mm का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो जो 1000 mm का डिस्प्लेसमेंट है वो 1 meter में दिखाएगा। मतलब ये तो एक्चुअल स्केल हो गया, हम 1 meter इक्वल्स टू 1000 mm होता है तो ये तो एक्चुअल स्केल हो गया। बट अगर इन केस मैं यहाँ चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि इन केस 100 mm का भी अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो 100 mm का डिस्प्लेसमेंट मेरे को 1 meter में देखना है, 1 meter में देखना है। तो मैंने इसको सपोज यहाँ पे स्केल को कम कर दिया, इसको अप्लाई किया, ओके किया और इसके बाद फिर से एनिमेट पे क्लिक करके रिफ्लेक्शन ऑन करके इसको अप्लाई कर दिया, तो आप देखेंगे आपको एनिमेशन जो है वो ज़्यादा शो कर रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, ये सिर्फ हमने क्या किया हुआ है, स्केल को बढ़ाया हुआ है। तो अभी देखेंगे ये जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ये बताया है पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में हम कैसे नोड्स में, बीम्स में फोर्सेस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिपोर्ट कैसे हम निकाल सकते हैं और कैसे हम उसको प्रिंट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।